प्रयागराज में संगम तट पर आस्था के महापर्व माघ मेला की मकर संक्रांति से शुरुआत हो चुकी है। कई प्रकार के आयोजनों के साथ ही यहां धर्म संसद का भी आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद का आयोजन 30 जनवरी को होगा। इसमें कई बड़े धर्म गुरु भी अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा ही बसपा के प्रदेश महासचिव मानवेंद्र आजाद मौर्य को भी तथागत बुद्ध एवं साथी ज्योतिबा फूले पर अपने विचार रखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मूल रूप से प्रतापगढ़ एवं वर्तमान में कानपुर निवासी मानवेंद्र आजाद मौर्य ने बताया है कि योगेश्वर स्वामी साध्वी श्यामा ने उन्हें धर्म संसद में विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। बताया यह भी जा रहा है कि धर्म संसद में कई अखाड़ों के प्रमुखों के साथ ही बाबा रामदेव को भी आमंत्रित किया गया है। चूंकि इस समय संगम तट पर माघ मेला चल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस धर्म संसद में शामिल होंगे। नमस्कार बंधुओं, बड़े ही आनंद का विषय यह है कि विशेष करके जो हमने ये पूर्वांचल में एक ब्राह्मणों का जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है, तो हम भी बहुत सूझबूझ के साथ हमारे मठों पे अन्य अन्य लोगों के द्वारा जो सूचनाएं मिले, हालांकि हमसे बहुत पुराना आपका संबंध है, लेकिन आप जानते हैं कि सियासत में संबंध का कोई मायने बहुत बड़ा नहीं होता है, इसमें कार्य को देखा जाता है। लेकिन हर वर्ग के लोग, खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों से हमने जब इनके बारे में सुना, तो हमें लगा कि मानवेंद्र आजाद जी से हमें मिलकर के बात करनी चाहिए। और वास्तव में यहाँ आने के बाद ये लगा कि वास्तव में जो बहन जी ने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वास्तव में वो इसके योग्य हैं, और मेहनत से, लगन से, जिस सूझबूझ के साथ, ये जिस रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, तो मैं पिछड़े समाज के साथ साथ ब्राह्मण बंधुओं को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो विश्वास है, आजाद जी उस पर खरे उतरेंगे। आदरणीय बहन जी को हम ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिल करके, अब इससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं है, हम सब बहन जी को सपोर्ट करते हैं और आजाद भाई को हम इतना आशीर्वाद देते हैं समस्त विप्र समाज की तरफ से, समस्त संत समाज की तरफ से, कि परमात्मा इनको शीर्ष पे ले जाए। मानवेंद्र भैया को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि जो इनका बहुजन समाज पार्टी में जो इनका लगाव है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, इसको देखकर मैं इनके समीप आई हूँ, इनसे मिलने आई हूँ, और मैं इनसे अपनी ये इच्छा जाहिर करती हूँ कि आप जिस स्थान पे बैठे हैं, मैं एक संत हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, तो मैं इनसे ये अपेक्षा करती हूँ कि जिस लगन से, जिस निष्ठा से, जिस श्रद्धा से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, ये उसी प्रकार ब्राह्मण का भी सपोर्ट करें, ये उम्मीद लेकर हम इनके पास आए हैं और इनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम। पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और भैया मानवेंद्र आजाद जी को आशीर्वाद देती हूँ। बहन जी को बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। बहन जी के समय, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, उनके समय में जब उनका अनुशासन था उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया था, और जो नारी हैं इनको बहुत समाज में बहुत अच्छे तरीके से इनको जीने का एक सुंदर स्थान प्राप्त हुआ था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई समय था, तो वो बहन जी के समय हुआ था। ये सब हम नहीं, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत देश जानता है। ये जो सारे बहन जी के अंदर गुण थे, जो ये साहस थे, जो ये उनका श्रम था, ये जो परिश्रम था, वो सब आज हमें भैया जी के अंदर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम बहुत सारा इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये भविष्य में इतनी ऊंचाई पे जाए कि ताकि बेटी बहन सब सुरक्षित हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए, जो कार्य बहन जी ने किया वो कार्य भैया जी के माध्यम से भी आगे हो, मैं ये इच्छा व्यक्त करती हूँ अपना।
और जय श्री राम भैया जी को बहुत सारा धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय साध्वी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञ हूँ कि लगातार कई वर्षों से आपका प्रेम व आशीर्वाद मुझको व मेरे समाज को पूर्वांचल में और पिछड़े समाज को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी गरजने वाली पार्टी नहीं, बरसने वाली पार्टी है। आज दलित पिछड़ों का कोई भी छोटा अथवा बड़ा मंत्री अथवा पूर्व मंत्री, कोई भी नेता किसी भी मंच से बोल रहा है, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि वह बदौलत बहुजन समाज पार्टी बोल रहा है। आदरणीय साध्वी जी के आशीर्वाद व वक्तव्य से भी जाहिर होता है व समाज में भी इस बात की चर्चा है, क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यदि वास्तविक रूप से पालन करती है तो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। आने वाली 11 मार्च को हम सभी साथी पूरा प्रदेश पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी का स्वागत करेगा और आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हम सभी लोग सुखी होंगे, सारे दुख तकलीफें दूर होंगी, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, किसान खुशहाल होगा। जय भीम, जय भारत।